पक्षी का नाम प्रिया बैरागी है और वो जैसा डेली रोज़ सुबह 9 से 10 आती है बच्ची, और मतलब जो नॉर्मल दिनों में आवागमन जो करती है वैसी करती थी। आज उसका जन्मदिन है और जन्मदिन स्वरूप उसने जो है हमको एक टॉफ़ी देके हमारा आशीर्वाद प्राप्त किया, और उसने ये बोला कि सर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो है ज़िले में टॉप करूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। और उसके बाद नॉर्मल पढ़ के और जैसी रोज़ आती जाती है वैसे आके और चली गई। फिर ऐसा बड़ा कि ये भयानक घटनाक्रम हुआ तो हम खुद भी मतलब इस विषय में दुखी हैं। फिर उसके वहाँ से हमारे कुछ साथियों का फ़ोन आया कि भाई आपका कार्ड मिला है। कार्ड के बाद मैंने उनके मम्मी से बात करी, मम्मी को बुलाया भैया कोई घटनाक्रम है आप आ जाओ। इतना मुझे ज्ञात है। कोई तनाव में दिख रही थी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत हसमुख और बहुत ही ब्रिलियंट। उसका 10th में 88%, 11th में 67% और बहुत ही हसमुख बच्ची थी। और जब यहाँ पढ़ रही थी उस समय भी वो एकदम खुश थी, ऐसा कोई लगा नहीं कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। सुसाइड किया क्या है प्रॉब्लम? एक बच्ची जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी वो कोचिंग के बाद अपने घर जा रही थी, रास्ते में उसने सुसाइड किया है। कारण क्या है, क्यों हुआ है, इस संबंध में पुलिस भी जांच कर रही है। कहाँ से मैडम थी और कौन सी ड्रेस में थी? ये कोचिंग गई हुई थी, 3 बत्ती पे कोई कोचिंग है, वहाँ से ये निकली थी कोचिंग करने के बाद, और बच्ची अपने घर की तरफ जा रही थी, रास्ते में इसने 0.3 से सुसाइड किया है। पुलिस मामले की जांच। कोई सुसाइड नोट भी मिला है क्या मैडम? नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ पुलिस के सामने नहीं आई। कहाँ रहते थे? ये रहने वाली चिमनगंज थाना क्षेत्र की थी और कानीपुरा शासकीय स्कूल जो है वहाँ ये 12th क्लास में पढ़ती थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।